दोस्तों, जैसा कि हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर जो है कि थ्योरी के रूप में पढ़े थे, और आज जो है कि इस वीडियो में क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का जो है कि साइंस के फर्स्ट चैप्टर का जो भी क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। तो पहला इसमें देखते हैं दोस्तों कि जो क्वेश्चंस है, तो देखिए पहला इसमें दिया है करके आपका बहुविकल्पी करके, दूसरा भी है तीसरा भी है बहुविकल्पी करके, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जो है कि आप लोगों को बताने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण कैसे बनाया जाता है और रासायनिक समीकरण को जो है कि कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो आते हैं डायरेक्ट हम पांचवें नंबर का, इसमें का क्वेश्चन है जो कि बोला है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करके उन्हें संतुलित कीजिए, ठीक है। यानी कि उसे पहले क्या बोला है कि संतुलित करना है, क्या करना है उसे संतुलित करना है, ठीक ना, यानी बैलेंस करना है। पहले क्या करना है कि उनका पहले रासायनिक नाम लिखना है, ठीक है। तो रासायनिक नाम लिखने के लिए पहला बोला है इसमें, पहला क्वेश्चन में, कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। यानी कि नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, किसके साथ, तो हाइड्रोजन गैस के साथ क्या कर रही है, अभिक्रिया कर रही है, क्या बना रही है, तो अमोनिया यानी कि NH3 बना रही है, ठीक है, यानी अमोनिया बना रही है। तो देखिए किस प्रकार से यह रासायनिक समीकरण बनेगा और कैसे जो है कि यह बैलेंस होगा। यह जो है कि हमारा नाइट्रोजन है, ठीक, और यह क्या दिया है, हमारा हाइड्रोजन दिया है। तो देखिए यह दोनों जो है ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों द्विक अणु हैं, ठीक है, और द्विक अणु होने के कारण इनका जो है कि इनको हम सिंगल कभी नहीं लिखते। अगर इनको लिखेंगे तो N2, H को लिखेंगे तो H2, और इनके द्वारा क्या बन रहा है, NH3। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस बना रहे हैं, NH3, जिसका नाम है अमोनिया, ठीक है, इसका नाम है अमोनिया। अब बैलेंस करते हैं। देखिए बैलेंस करने का सबसे ईजिली तरीका, नाइट्रोजन आपके पास इधर कितना है, आप पहले जो है ना कि लेफ्ट साइड इसको दो साइडों में बांटेंगे, ये वाला साइड क्या करेंगे लेफ्ट साइड में और इसको जो है कि राइट साइड। तो देखिए लेफ्ट साइड में पहले एलिमेंट से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए नाइट्रोजन कितना है, दो। अब जो है कि ना तुरंत नाइट्रोजन हम लोग राइट साइड वाले में देखते हैं, नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे, एक, यहाँ पे कितना है, दो। इधर भी क्या करेंगे, दो से आगे गुणा कर देंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन दो हो गया। अब देखिए नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन कितना है, दो, इधर कितना है, दो। हाइड्रोजन देखते हैं इधर कितना है, दो, और इधर कितना है, दो तिया छः। हाइड्रोजन कितना है, दो तिया छः, इधर कितना है, दो। अगर कितना से गुणा करें तो छः हो जाएगा, तीन का गुणा कर दें, यानी कि तीन का गुणा कर देने से 3H2, यानी कि ये देखिए हाइड्रोजन 6 और इधर भी हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 2, यानी कि यहाँ पे कितना हुआ आपका, ये नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, और इधर क्या हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक ना। इस तरह से देखिए दोनों बैलेंस हो गए, बैलेंस यानी कि दोनों के तरफ बैलेंस ही सेम हो गई, ठीक है। इधर भी दो नाइट्रोजन और इधर भी दो नाइट्रोजन, इधर 6 हाइड्रोजन, इधर भी 6 हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरह से अमोनिया बन गई। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ठीक ना। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, H2S, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन, यानी कि H2S किसके साथ दहन कर रहा है, तो हवा के साथ कर रहा है, तो ऑक्सीजन है ना, तो ये हमेशा दो लेकर चलता है क्योंकि ये भी द्विक अणु है। अब देखिए द्विक अणु, जब भी द्विक अणु रहते हैं तो उनमें जो है कि उनको कभी सिंगल नहीं लिखा जाता है, उनके साथ जो है कि हमेशा दो अणु रहते हैं। तो ये हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हो गया आपके पास ऑक्सीजन, यानी कि हवा में दहन करा जा रहा है, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, जल मिल रहा है H2O+, और क्या मिल रहा है, बोल रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये मिल गया, जल मिला और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिली। अब इसको बैलेंस करते हैं, ठीक ना। देखिए बैलेंस करने में क्या होगा, इधर ले लेते हैं हम लोग LS और ये होता है RS, ठीक ना। अब इसमें क्या है, देखिए पहले हाइड्रोजन से काउंटिंग चालू करो, हाइड्रोजन कितना है, दो, इधर कितना है, दो, बराबर है, S कितना है, 1, इधर कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, दो,
तो ये दोनों क्या है, ये दोनों साइड पहले से ही बैलेंस है, ठीक है। इस तरह से ये हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक ना, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई ये गैस, और ये क्या हो गई आपकी ऑक्सीजन हो गई, और ये ऑक्सीजन के बाद आपका ये क्या बना, इधर जल बन रहा था, साथ में क्या मिला था, तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक ना, सल्फर डाइऑक्साइड। ये था सेकेंड नंबर, पांच नंबर का। अब आते हैं, अब अगला बोल रहा है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर गया, ठीक। थर्ड नंबर देखते हैं, बोल रहा है कि एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, क्या बोल रहा है एल्युमिनियम, देखिए बोल रहा है कि एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, ठीक ना, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है, ठीक ना। यानी एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा होगा। बोला है एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस, कितना बोल रहा है आपका, बोल रहा है देखिए अगला क्वेश्चन दिया था कि जैसे कि एल्युमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने पर मिल रहा है हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड और मिल रहा है बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो हम लोग अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक। एल्युमिनियम कितना है इधर, दो, इधर कितना है एक, ठीक है, एक ही दिख रहा है ना, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, इसके लिए क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है, एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। सल्फर की बारी, एक कितना है, अगर ऐसे दिखता है जब भी कोष्टक में, अगर जिसके नीचे है कितना है, तीन, यानी कि एस कितना है, तीन, एस इधर यानी कि सल्फर कितना होगा, तीन, इधर सल्फर देखते हैं कितना है, दो है, एक है, सल्फर एक है, यहाँ पर कितना है, तीन है, यहाँ पर कितने से गुणा कर दें, तीन से, बैलेंस हो गया सल्फर एल्युमिनियम और सल्फर दोनों बैलेंस। ऑक्सीजन बाद है, चढ़तिया ही 12, ऑक्सीजन कितना है 12, इधर कहीं नहीं, ये देखिए चढ़तिया 12, ऑक्सीजन बराबर है, ये तीनों बैलेंस हो गए। अब आते हैं बेरियम पे, बेरियम कितना है, एक है, इधर कितना है, तीन है, इधर कितने से गुणा कर दें, तीन से, बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन बाद है, क्लोरीन कितना है, दो, तीन दुना का छः, क्लोरीन कितना होगा, दो तीन छः, यानी कि इस तरह से जो है कि हमारा एल्युमिनियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा था, एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा था साथ में बेरियम सल्फेट, और ये जो है कि फॉर्मूला है आपका प्रूफ। अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका कि पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी पोटेशियम धातु, ये पोटेशियम धातु हो गई आपके किसके साथ अभिक्रिया करिए, जल के साथ, जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस और क्या बना रही है, एवं हाइड्रोजन गैस देती है। हाइड्रोजन गैस जब भी निकलेगी H2 के रूप में निकलेगी, क्यों, क्योंकि यह एक द्विकणु है, तो इसके साथ दो अणु हमेशा रहेंगे, ठीक ना। पोटेशियम हो गई धातु, ठीक है, पोटेशियम धातु हो गए, ये जल हो गया है आपका, अब बोल रहा है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका क्या है, हाइड्रोजन गैस है, यानी कि ये गैस हो गई, ठीक। देखिए कैसे होता है, इसमें पोटेशियम कितना है, एक, यहाँ पे एक बराबर, हाइड्रोजन कितना है, दो, यहाँ पे भी दो, ऑक्सीजन कितना है, एक, यानी इस तरह से बैलेंस है, ठीक ना, समीकरण क्या है, संतुलित है। अब आते हैं निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, देखिए निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, ठीक ना, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं अब, ठीक है, ये छः नंबर सवाल है, ठीक ना, छः नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, ये जितने भी रासायनिक समीकरण दिए हैं इसमें सभी को संतुलित करना है। तो देखिए संतुलित करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या है, एक एक से काउंटिंग करते हैं, ये LS साइड ले लेते हैं, ये RS साइड यानी कि दाहिना साइड और ये बायां साइड, हाइड्रोजन कितना है, एक है, ठीक। अब हाइड्रोजन गिनते हैं, एक यहाँ पे है और यहाँ से गुणा होगा तो कितना होगा, यानी कि H2 यानी कि दो और एक तीन, यहाँ पे देखते हैं कितना है, दो, दो है ना इधर, अब क्या करते हैं, तीन तो ला सकते नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, इधर दो से गुणा कर दें, दो से गुणा किया तो कितना हो गया, चार, यानी कि दो ये और दो ये चार, और लेकिन यहाँ दो से गुणा कर दें कितना हो गया, दो दुना का चार। अब आते हैं नाइट्रोजन पे, तो N2 कितना होगा, दो, यहाँ से दो से गुणा करेंगे तो कितना होगा, नाइट्रोजन दो, नाइट्रोजन इधर कितना है, N2 दो है।
अब आते हैं ऑक्सीजन पे। देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2 तिहाई 6 और ये 2, 6 2 8, यहाँ से 2 तिहाई 6 ये ऑक्सीजन और 2 ये 8, और ये कितना होगा, 2 दूना 2 तिहाई 6, तो इधर कितना है 8 ऑक्सीजन बराबर है। कैल्शियम की बात आती है तो कैल्शियम देखते हैं कितना है, इधर 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और कैल्शियम, यानी कि सब क्या हो गए आपस में बराबर, यानी कि इस तरह से हो गए संतुलित। अब आते हैं हम लोग किस पे, तो आते हैं सेकेंड नंबर। तो जब सेकेंड नंबर की बात आती है तो सेकेंड नंबर देखते हैं हाइड्रोजन, इधर सोडियम कितना है, 1 है। सोडियम अब इस साइड देख लेते हैं कितना है, 2 है, 2 से गुणा कर दिए, सोडियम कितना हो गया 2। अब आते हैं ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन कितना होगा, 2, 2 से गुणा होगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 ये और 4 ये, 2 4 6, यहाँ पे कितना है, कितना है 4, यहाँ पे कितना है 1, 2 से गुणा कर दे, 2 और 4 6 बराबर। हाइड्रोजन की बात आती है, 2 हाइड्रोजन और इधर 4 हाइड्रोजन, इधर कितना है, 2 दूना का 4 हाइड्रोजन, इधर कितना है वो गया, सल्फर कितना है 1 है, इधर कितना है सल्फर 1 है, ऑक्सीजन हो गया है, ठीक ना। इस तरह से ये बैलेंस हो गया, क्या हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, ठीक ना, ये भी बैलेंस हो गया है। अब बात आती है इसके, देखिए सोडियम कितना है 1 और कहीं नहीं है, सोडियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1, ये जी कितना है 1 और ये जी कितना है 1, नाइट्रेट कितना है, देखिए नाइट्रेट है, यानी इस तरह से क्या है, ये भी बैलेंस है।